नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आप इस वक्त जेजेएन न्यूज देख रहे हैं। देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार को राज्य में 5058 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 67 मरीजों की मौके पर मौत हो गई है। सोमवार को देहरादून जिले में 2034, हरिद्वार में 1002, नैनीताल में 767, उधम सिंह नगर में 283, चंपावत में 104, पौड़ी में 323, उत्तरकाशी में 45, टिहरी में 87, अल्मोड़ा में 135, पिथौरागढ़ में 88, चमोली में 97, रुद्रप्रयाग में 64, बागेश्वर में 29 संक्रमित मामले सामने आए। उत्तराखंड में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें मास्क न पहनने पर अब ₹500 से लेकर ₹1000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा। मंत्रिमंडल ने मई में टीकाकरण अभियान के तहत 50 लाख लोगों को 1 करोड़ डोज देने के लिए 450 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी है। वहीं शाही स्नान के बाद हरिद्वार में भी कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। महाकुंभ के समापन से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दो फाड़ हो गए हैं, जिसमें किसके बाद बैरागी अखाड़ों ने अलग से अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का गठन किया है। श्री पंच दिगंबर अड़ी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत रामकृष्ण दास नगरिया ने सर्वसम्मति से परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। बता दें कि सन्यासी अखाड़ों के महाकुंभ विसर्जन की घोषणा के बाद ही बैरागी और सन्यासी अखाड़ों के बीच तनाव पैदा हो गया था। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कोविड 19 के दौरान मीडिया कर्मियों को परिचय पत्र पर आधार पर छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मीडिया कर्मियों की आवाजाही के लिए छूट रही किसी भी चेकिंग पॉइंट या अन्य स्थानों पर मीडिया कर्मियों को अपना प्रेस मान्यता कार्ड प्राप्त संस्थान से जारी परिचय पत्र दिखाना होगा। 1 अप्रैल से शुरू हुए महाकुंभ का तीसरा और आखिरी शाही स्नान है, जिस पर सभी 13 अखाड़े हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड घाट पर गंगा स्नान करेंगे। सभी अखाड़े आज 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को प्रतीकात्मक रूप से हर की पैड़ी पर करेंगे। मेला प्रशासन सभी अखाड़ों से शाही स्नान की सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने कहा कि यदि घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसे मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ताकि घर के अन्य लोग उसके कारण से संक्रमित ना हो पाएं। उन्होंने कहा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम सामान्य तौर पर भी घर के भीतर मास्क पहनना शुरू कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन अब जरूरतमंदों को निःशुल्क दिया जाएगा। निजी अस्पताल इस दवा की व्यवस्था खुद करेंगे। दवा उपलब्ध नहीं होने और किसी मरीज की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक होने पर निजी अस्पताल द्वारा जारी किए गए पर्चे के आधार पर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी संबंधित मरीज के लिए सीमित संख्या में इसे निःशुल्क उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो केंद्र सरकार के उस दावे से सहमत नहीं हैं कि देश की राजधानी में कोविड 19 के गंभीर मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। न्यायमूर्ति विपिन सांधी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि आज ऑक्सीजन की किल्लत है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि हमने खुद देखा है कि ऑक्सीजन की किल्लत है। व्यक्तिगत कारणों से आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर स्वदेश लौट चुकी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एंड्रयू टॉय ने इस बात पर हैरानी जताई है कि जहां एक तरफ भारत में मरीज अस्पतालों में मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईपीएल की फ्रेंचाइजियाँ पैसे बहा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनाम ने भारत में कोविड 19 संकट पर चिंता जाहिर की और स्थिति को हृदय विदारक बताया। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ और आपूर्ति भारत भेज रहा है। उन्होंने कहा, कई क्षेत्रों में कोरोना के मामलों और मौतों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन कई देश अभी भी कोविड 19 का बड़ा संकट झेल रहे हैं। अभी की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।